हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सही सलाह। तो भाई, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पे आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट दिया, ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। और हाँ भाई, जिसका ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप लोग मुझे वहां पे कमेंट किए हो तो आप लोग का प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही लग रहा है, तो मैंने नंबर दे दिया भाई डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लो, मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूं। अगर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास होगा तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। मैं भाई वहां पे आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा चौड़ा मुझे टाइप करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई। तो इससे अच्छा है कि आप मुझे कॉल कर लो ना, मैं अपना चैनल को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे करके रखा हूँ कि आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो इजिली आप कॉल कर लो और कॉल करके मुझसे जो पूछना है पूछ लो भाई, अगर मेरे पास उसका सोल्यूशन होगा तो मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट। यहाँ पे पबजी मोबाइल वाले ने आज सुबह एक छोटा सा अपडेट दिया है करीब 1 MB का। अब 1 MB में भाई हो क्या सकता है, आप जरा सोच लो। तो यहाँ पे पबजी मोबाइल वालों ने एक नोटिस जारी किया है, तो यहाँ पे उस नोटिस पे लिखा हुआ है भाई कि आपका अब गेम लेग नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा, रीसेट नहीं होगा, ऑटोमेटिक कट नहीं होगा। तो इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम था बग से लेकर के रेंडरिंग तक सब कुछ फिक्स कर दिया है पबजी वालों ने, तो अब आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। और हाँ भाई, यहाँ पे एक और अपडेट बताया जा रहा है कि आपका Win90 जो गन था ना, उसमें अब आपको स्कोप दिया जाएगा। और वो स्कोप भाई मैं देख पा रहा हूँ कि वीकेंडी वगैरह में नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ म्यांमार में है। तो ये बहुत ही गलत है भाई, जब अपडेट ही लाए हो तो भाई हर मैप में वो अपडेट देना चाहिए था। अब हम वीकेंडी खेलेंगे तो हमें वीकेंडी में वो स्कोप नहीं मिलेगा Win90 में, तो भाई कोई मजा ही नहीं आएगा यार। और म्यांमार को जैसे भी ज्यादा कोई खेलता नहीं है, उसको अपडेट आने की वजह से शायद उसे कोई खेल रहा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग तो भाई वीकेंडी और सैनोक एरेंगल इसे ही खेलते हैं, क्योंकि भाई म्यांमार बहुत ही बड़ा मैप है, तो भाई उसमें करीब 50 मिनट्स का गेम चलता है, तो उसे ज्यादा लोग नहीं खेलते हैं। तो मुझे एक तरफ से ये गलत लगा यार कि पबजी मोबाइल वाले जो अपडेट दिया है ना 1 MB का, उसमें यार स्कोप जो है वो आपको वीकेंडी में नहीं मिलेगा, सिर्फ म्यांमार में मिलेगा। तो पबजी का ये एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बाकी सब कुछ सही है भाई, उन्होंने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो भाई, लो डिवाइस वालों के लिए तो ये नहीं है, क्योंकि भाई उनके पास डिवाइस ही लो है तो गेम तो लेग होगा ही ना यार। अब कितना जुगाड़ लगा सकते हैं बताओ, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है लेग फिक्स से लेकर के, अब हम लोग तो जुगाड़ ही बता सकते हैं ना आपको। अब पबजी वाला इसे और अपडेट करते जा रहा है, तो आपको भी अपना डिवाइस को अपडेट कर लेना चाहिए। अगर आप अपना डिवाइस को अपडेट नहीं करोगे तो भाई आप गेम नहीं खेल पाओगे, तो फिर आप पबजी मोबाइल लाइट को खेल लो, वो कहीं बेहतर गेम है लो डिवाइस के लिए। तो भाई आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। देखो, आप पबजी मोबाइल को ओपन कर लेना। पबजी मोबाइल को ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ साइड पे एक नोटिस आया हुआ है अभी, और ये आज आया है सुबह करीब 10-11 बजे मुझे ये नोटिस मिला, तो आप लोग को भी ये नोटिस मिला होगा। और हाँ भाई, ये नोटिस उन्हीं लोग को मिल रहा है जो पबजी मोबाइल को अपडेट कर दिए हैं, मतलब जो म्यांमार का अपडेट आया हुआ था 1.62 GB का, तो जो लोग उसे अपडेट किए हैं ये अपडेट उसे ही मिल रहा है, और जो नहीं किए हैं तो भाई उनको ये अपडेट नहीं मिलेगा। तो आपने अगर अभी तक पबजी मोबाइल को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले पबजी मोबाइल को अपडेट कर लो, उसके बाद आपको ये 1 MB का अपडेट मिलेगा, तो आप इसे अपडेट कर लो। इसके बाद आपका जो गेम लेग है, वो क्रैश हो रहा है, ये सब जितना भी प्रॉब्लम था ना, ये सब अब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा भाई कि पबजी मोबाइल वाला ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या है अपने तरफ से खुद, कि अब आपको पबजी मोबाइल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम लोगों पे डिपेंड करता है भाई कि हम लोग इसे देखेंगे कि कितना सही है या नहीं है। अगर सही नहीं रहा तो भाई हम लोग उसे फीडबैक देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम वो इसे फिक्स कर सके। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना भाई, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अपडेट दिए हैं बस अपडेट ही दिए हैं, लेकिन आप गेम खेलोगे तो लेग और आपका गेम फ्रीज ये अब भी हो रहा है, और मैंने आज गेम खुद खेला है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और हाँ, मैं फिनिक्स ओएस पे खेलता हूँ, शायद इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा। अगर गेम लूप वाले कोई बंदे इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करना कि आपका गेम अब लेग हो रहा है या नहीं। अगर आपका गेम लेग नहीं हो रहा है तो भाई पबजी वालों ने जो अनाउंसमेंट किया है वो एकदम सही है, और ये अनाउंसमेंट भाई सभी को अपडेट कर लो, उसके बाद भाई आपका गेम रेंडर
क्रैश, लैग ये सब होने वाला नहीं है। और हाँ भाई, लो डिवाइस वालों के लिए तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं आपको जितना हो सके उतना अपना चैनल की तरफ से आपको सपोर्ट दिया, बट अब पबजी मोबाइल इतना आगे बढ़ गया है ना कि पबजी पीसी लाइट का टक्कर दे रहा है ये गेम, तो जो उसमें नहीं है ना भाई वो पबजी मोबाइल में है। तो आप सोच सकते हो यार लो डिवाइस वाले इस गेम को नहीं खेल पाएंगे, तो इसके लिए सॉरी भाई, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। ये गेम उनका है और उन लोग ने इसे इतना बड़ा अपडेट दे दिया कि मतलब कुछ कहने का नहीं, लो डिवाइस वाले बंदे तो अब इसे खेल ही नहीं पाएंगे। तो बस भाई आज का वीडियो में बस इतना ही था, एक छोटा सा पबजी अनाउंसमेंट आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था ताकि आप लोगों को सभी को पता हो जाए कि ये अपडेट किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा और इसे अपडेट करने से क्या फायदा होगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप मेरा वीडियो नहीं विश्वास देखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।